यस हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को मेरा राम राम सभी को मेरा दुआ सलाम सभी को मेरा जय हिंद है आवाज अगर अच्छे से आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दोगे फटाफट 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 कमेंट फटा -फट. बॉक्स में तुरंत हिंद लिखोगे सभी लोग चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन कोस yes. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के बेहतरीन सेशन को यस आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड एपी गियर ट्रेन जिसके अंदर आज आपको बड़े बड़े एपी गियर ट्रेन के टेबल मैं आपको सिखाने वाला हूं यस टेबल जो कल मैंने आपको सिखाया सिंपल गियर ट्रेन का बिल्कुल मेरे बच्चों सिंपल गियर ट्रेन के जो टेबल्स के आपको दिखाया टेबल से क्वेश्चन भी करवाया वहीं से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं और वो सारी चीजें टेबल ही आज आपको सिखाने वाला हूं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गियर पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो मिक्सअप हो चाहे वो कैसा भी हो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए चाहे वो एपीसाइकली गियर में कंपाउंड गियर ट्रेन आकर एड हो जाए तो मेरे प्यारे भाइयों आज मैं आपको वो सारी चीजें दिखाने आया हूं मतलब आज की क्लास अगर आपको टेबल का भूत भगाना है तो बिल्कुल आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल जिससे हम लोग बहुत घबराते हैं ट्रेन में आज आपको वो टेबल आपकी ताकत बन जाएगी मैं गारंटी ले रहा हूं एक बार देखिएगा जरूर मजा बहुत आने वाला है आज तो चलिए स्टार्ट करते हैं so, everyone, channel, -E अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें ना डियर अगर मैं बात करना चाहूँ अपने बारे में हार्ट एंड सोल ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग नाउ मेरे बच्चों अगर मैं बात करूँ आलोक लाइफ की तो आलोक लाइफ क्या है आलोक लाइफ पासवर्ड है आलोक लाइफ उम्मीद है आलोक लाइफ कोड है आलोक लाइफ टेलीग्राम चैनल है आलोक लाइफ एक विश्वास है आपके लिए मेरे प्यारे भाइयों आज है सैटरडे और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो हर सैटरडे हम लोग करते हैं महासंग्राम यस क्या सर एवरी ईच एंड एवरी सैटरडे पिछले लास्ट लास्ट वन मंथ से हम लोग ये काम कर रहे हैं आई थिंक वन टू टू मंथ हो गया एक से दो महीना होने वाला है अब ठीक है ना तो मेरे प्यारे भाइयों वो जो काम कर रहे हैं हर सैटरडे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और आज तो बवाल मचने वाला है सिंगल डे एक दिन में 500 क्वेश्चन एक दिन में 500 नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस और यह कहां कराई जाएगी सर यह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको फ्री स्पेशल क्लास में उम्मीद टेस्ट सीरीज के अंदर तो उम्मीद टेस्ट सीरीज में जो आपका चल रहा है बेटा आज कम से कम उसमें 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा बहुत मजेदार तरीके से ठीक तो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइश आलोक लाइव के बारे में पहली बात बता दूं अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे प्यारे भाई इसके अंदर मिलता आपको डाउट सॉल्विंग सेशन वीकली टेस्ट क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस रैंक इंप्रूवमेंट बैच एंड इंग्लिश हिंदी बैचेस बेटा आपको इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं अगर आप प्लस लेते हो तो ना अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आपको प्लस का पूरा का पूरा मिलेगा सुविधा उसके साथ साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे स्टडी मटेरियल मिलेगा और प्रैक्टिस सेट मिलेगा आप यहाँ मुझे अपना पर्सनल कोच बना सकते हो यस आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑफ अन और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक न्यू एक नई खबर आ रही है जो प्लस के बच्चे हैं उन सभी के लिए जो प्लस के बच्चे हैं उन सभी के लिए एक नई खबर ये आ रही है यस जो कर रहे थे मेरे बैच का इंतजार प्लस के प्लेटफॉर्म पे जो कर रहे थे मेरे बैच का इंतजार प्लस के प्लेटफॉर्म पे वो सभी बच्चे तैयार हो जाएं ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अप्रैल से नया बैच अनाउंस हो रहा है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अप्रैल से नया बैच अनाउंस हो रहा है इक्कीस तारीख से प्लस के प्लेटफॉर्म पे और सबसे खास बात यह है ट्वेंटी फर्स्ट का जो बैच है वो मैं हैंडल कर रहा हूँ ट्वेंटी फर्स्ट का जो पहला बैच आ रहा है उसमें मैं आ रहा हूँ बेटा आपके लिए लेकर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑन प्लस ठीक है ना तो जो बच्चे प्लस पे मुझसे पढ़ना चाहते हैं वहां आकर पढ़ सकते हैं जो बच्चे प्लस पे मेरा इंतजार कर रहे थे वो अभी रेडी हो जाए क्योंकि बैच अनाउंस होने वाला है इक्कीस तारीख का ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो रेट आलोक लाइव पे ठीक है ना चलिए सो गाइस टू एक्सेस ऑल फ्री लेक्चर्स द पासवर्ड इज व्हाट आलोक लाइव पासवर्ड क्या डियर आलोक लाइव है और आप आलोक लाइव का यूज करके अन अकेडमी कॉम्बेट को अनलॉक कर सकते हैं अनएकेडमिक कॉम्बैट को डियर आप अनलॉक कर सकते हैं अनएकेडमिक कॉम्बैट को अगर आप जुड़ना चाहते हैं एवरी संडे मॉर्निंग एलेवन एम कॉम्बैट का हिस्सा बन सकते हैं आलोक लाइव कोड यूज करके नाउ आलोक लाइव एक टेलीग्राम चैनल है जिससे साथ अगर आप जुड़े हैं तो डेली पी डी एफ नोट्स आपको यहां मिलता है जो हम ये कंप्लीट थ्योरी ऑफ मशीन आपको पढ़ा रहे हैं इसका पूरा का पूरा डिटेल जो पीडीएफ है यहां आपको प्रोवाइड होता है सो यू कैन ज्वाइन विद टेलीग्राम चैनल ऑल्सो ना रात में ग्यारह बजे सोन चल रहा है टीयर कल रात में फिर से इंटरनेट के फ्लक्चुएशन कारण ठीक ना ये दिक्कत हुआ जो कल क्लास नहीं हो पाई बट पूरी कोशिश रहेगी कि कल आज सब सही रहे और आज क्लास इसकी कंटिन्यू होगी ना उम्मीद टेस्ट सीरीज की बात करता हूँ टीयर आज ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है दिन में बारह बजे इसी टेस्ट सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं टीयर ध्यान रखिएगा आज ये टेस्ट सीरीज दिन में yes, 12 बजे यस 12 पीएम स्टार्ट होने वाला है ठीक है ना आज इसमें हम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो 12 बजे दिन में सभी लोग रेडी रहना इंटरनेट ऑन किए रहना इंटरनेट बचा कर रखना क्योंकि बहुत जरूरी है बेटा बारह बजे से ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लर्न आर्ट ऑफ मैकेनिकल दैट इज गियर बेटा गियर की आज आखिरी क्लास नहीं है क्योंकि अगली क्लास जो होगी आपकी जैसे आज सैटरडे है तो मंडे को जो अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर अभी हम गेट और ई के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तो इन सब चीजों को देखते हुए हम बात करेंगे डियर तो चलिए स्टार्ट करते हैं गियर को ना द कॉन्सेप्ट ऑफ गियर ट्रेन अगर आज कंप्लीट हो जाता है तो आज कर देंगे दरवाइश एक क्लास और लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गियर ट्रेन की बात करते हैं डियर इसके अंदर क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट की बात चल रही है देखो ध्यान से देखिए गियर ट्रेन की अगर हम बात करें तो यहां हम आज बात करने वाले हैं कंपाउंड एपी गियर ट्रेन की वेदांत करें सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा आई डोंट नो जब तक आपको फील नहीं हो जाता जब तक आपको पूरा सब्जेक्ट रूह तक नहीं तक चला जाता तब तक नहीं कंप्लीट होगा ठीक है तो कंपाउंड एपी गियर ट्रेन यू कैन सी दिस कंपाउंड एपी गियर ट्रेन के अंदर हमने आपको क्या बताया था बहुत सारे प्लेनेट होंगे एक सन होगा एक रिंग गियर होगा ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी मतलब बहुत सारे प्लेनेट के साथ कनेक्शन होगा ठीक है ना इसी बीच में कभी कभी क्या आ जाएगा कंपाउंड गियर आ जाएगा तो हमने आपको बताया था कंपाउंड एपी हम ऐसे को ही कहेंगे एपी मतलब क्या होता है डियर एपी मतलब होता है एक्सेस और साइक्लिक मतलब क्या होता है डियर रोटेशन एपी मतलब होता है एक्सिस और साइक्लिक मतलब होता है रोटेशन एक गियर किसी दूसरे गियर की एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है रोटेशन कर रहा है एक गियर किसी दूसरे गियर की एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है डियर रोटेशन कर रहा है सो दिस इज द एपी साइक्लिक एपी साइकिल गियर ट्रेन ठीक है ना एपी साइक्लिक का मतलब क्या हो गया एक गियर किसी दूसरे गियर की एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है ठीक ना तो डियर आपको हाँ पता है ये बीच वाला कौन है सर ये बीच वाला सन गियर है ये छोटे छोटे ये क्या है सर ये सब है प्लेनेट गियर और ये बड़ा क्या है जिसमें इंटरनल टीथ कट है सर दिस इज द रिंग गियर इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कुछ इसकी भी चर्चा हुई थी कल याद होगा ठीक है ना और इस पर भी हम आए थे तो यहां हमने देखा था स्पाइडर आर्म के बारे में ना अब मैं आज आपको कुछ चीजें सिखाने वाला हूं कुछ चीजें आपको लेकर आया हूं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं ध्यान से जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ठीक है ना जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप दो टाइप से क्वेश्चन देखते हो क्या एक तो या तो इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है आपको ठीक है ना जस्ट लाइक दिस मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूं जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया इसका या तो ये फिगर दे देगा ठीक है ना या तो ऐसे क्वेश्चन लिखकर ऐसा फिगर दे देगा और या तो या तो या तो एक इस टाइप का फिगर दे देगा नाउ सर एक चीज बता दो ये और ये ये दोनों हैं क्या समझा नहीं बेटा समझो एग्जाम में आपको गियर का कॉम्बिनेशन का पिक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाएगा या तो ऐसा दिखाएगा ये है क्या सर दोनों एक ही चीज है बस व्यू का फर्क है एक साइड व्यू है एक टॉप व्यू है सॉरी एक फ्रंट व्यू ठीक है ना तो आप अगर देखोगे गियर के कॉम्बिनेशन को एक सामने से देख रहे हो एक साइड व्यू से देख रहे हो ठीक ना मतलब व्यू है दोनों अलग अलग व्यू है यू कैन सी दिस अब देखो ध्यान से अगर मैं बात करूं ऐसे यहां ए है ए क्या है ए एक बड़ा गियर ए क्या है एक बड़ा गियर है ए के साथ कांटेक्ट कौन में है बी बी के साथ कौन कांटेक्ट है सी अच्छा आप एक चीज बताओ मेरे को देखकर आपको क्या फील हो रहा है बी और सी बी गियर और सी गियर दोनों एक ही सेंटर पे हैं जी सर इसका मतलब बी एंड सी क्या है कंपाउंड गियर है या सर सी के साथ कांटेक्ट है डी बिल्कुल और डी जो है यहां है और यहां से हमारा एक आर्म जोड़ा है सी के साथ ये हमारा गियर का कॉम्बिनेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे ये और इससे ये कैसे बनाए ठीक है ना पहले सीख लो एक बार सीख लो फिर उससे टेबल कैसे बनाएं? वो भी सीख लेंगे प्लीज बी फोकस मैं आपको सीधे उसी चीज पे वार करने जा रहा हूं जो कमजोर है आपका फिर मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन हूं टेंशन मत आप सारे क्वेश्चन कर लोगे अगर आपने टेबल बनाना सीख लिया तो दैट्स इट देखो ए एक बड़ा गियर है अब ए के इनसाइड में कांटेक्ट है बी दैट मींस ए क्या है दैट मींस ए इज इंटरनल गियर ए क्या है इंटरनल गियर ओके है ना जिसको हम दूसरे भाषा में यहां क्या कह रहे हैं रिंग गियर इंटरनल गियर है वो ज्यादा मैटर करेगा ए बी के साथ कनेक्टेड है बी एंड सी क्या है कंपाउंड गियर कंपाउंड गियर का तो खासियत जानते हो एक ही साफ्ट पे होते हैं बिल्कुल एंड सी कनेक्टेड टू डी सी कनेक्टेड टू डी कैसे कनेक्ट है एक्सटर्नल एक्सटर्नल गियरिंग हो रहा है, ठीक ना और ए कनेक्टेड टू बी क्या हो रहा है इंटरनल गियरिंग हो रहा है ओके ये हमारे सामने तीन कंडीशन है इस फिगर के अंदर इतना बात क्लियर है तो एक बार बता दो फिर मैं आगे बढ़ता हूं अच्छा एच नाम से ये आर्म है एच नाम से क्या है ये आर्म है जो कनेक्ट करता है इस सेंटर से इस सेंटर को उसका नाम नहीं दिया छोड़ ठीक है ना तो एच नाम से एक आर्म है That's it. मैंने यहां लिख दिया पहले बताओ ये सब चीज क्लियर है ठीक है ना यस और नो एवर क्लियर है जल्दी से जल्दी बताओ क्लियर है यस और नो ओके नाउ माय डियर फ्रेंड अब इससे ये कैसे बनेगा यू कैन सी दिस इससे ये कैसे बनेगा सर अगर एक्सटर्नल गियर कभी भी आपस में कांटेक्ट होते हैं लाइक दिस इफ द एक्सटर्नल गियर आर कांटेक्ट सो दिस वॉज लाइक दिस वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। एक्सटर्नली इफ द इंटरनल गियर आर कॉन्टेक्ट तो दिस वॉज लाइक दिस इंटरनल गियर हमेशा ऐसे दिखाई देते हैं। बात समझे मतलब उस पर चढ़े हुए मतलब इन दोनों के ऊपर एक इंटरनल गियर लगा हुआ है मतलब ये दोनों सिस्टम इंटरनल गियर के अंदर है अब जैसे देखो यहां अब तुम्हें यहां देखने को मिल रहा होगा ए का बी के साथ कनेक्शन कैसा इंटरनल गियरिंग है अगर इंटरनल गियरिंग है सो यू कैन सी दिस एनुलर गियर ऑल्सो कॉल्ड रिंग गियर ऑल्सो कॉल्ड एनुलर इसी का एक और नाम है एनुलर गियर ठीक है ना रिंग गियर का एक और नाम होता है एनुलर गियर ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी हाँ गियर है मतलब इंटरनल गियर है यू कैन सी दिस देखिए ध्यान से। ये कैसे बेंड हुआ है आगे से ऐसे बेंड हो गया यू कैन सी दिस जैसे ये बेंड हुआ था ना? सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल गियरिंग ये क्या है बेटा इंटरनल गियरिंग है और यही नहीं खत्म है क्योंकि ये तो पूरा सर्किल में है बिल्कुल ठीक है अब देखिएगा ध्यान से बेटा ये और ये ये पूरा का पूरा एक गियर सिंगल गियर ये बीचों बीच क्या जा रहा है सर बीचों बीच ये साफ्ट जा रहा है ये सेंटर जा रहा है ये क्या जा रहा है सेंटर तो ये रहा हमारा ए ए से कौन कनेक्ट है जी ए से सर बी कनेक्ट है यू कैन सी दिस बी अब आप देखना ध्यान से मैं आपको कुछ चीजें शो करता हूं ये जानते ये कौन सा साफ्ट है ये साफ्ट है ये बी से सी का साफ्ट बी और सी कंपाउंड गियर है तो एक साफ्ट पे होगा तो भैया ये है वो साफ्ट ये देखो ये इतना है सी कलर चेंज ये रहा सी इतना है सी एक ही साफ्ट पे ध्यान रखना और ये रहा बी ये रहा हमारा क्या बी ठीक है ना दिस इज बी दिस इज सी क्लियर बी और सी दोनों एक ही साठ पे है बी और सी दोनों एक ही साठ पे देखो एकदम ध्यान से देखो ध्यान से देखो बी एंड सी दिस इज बी दिस इज सी ये देखो एरो का निशान ये बी है ये सी है एकदम ध्यान से देखो बी और सी दोनों एक ही साथ पे दोनों कंपाउंड गियर है बिल्कुल फुल फोकस धीरे धीरे समझो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा तेज भागने की ठीक है ना कोई भी डाउट हो मेरे बच्चे कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लेना तुरंत पूछ लेना मैं बार बार बता रहा हूं और जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि एपी गियर ट्रेन कंप्लीट हो गया वो अभी धोखे में है वो अभी धोखे में है एपी गियर ट्रेन तो इससे कंप्लीट होता है जिस किसी को इंटर इसको कन्वर्ट करने इसमें नहीं आया ना वो बैठा ही रह जाएगा और गेट का क्वेश्चन आप देखना आपको तो क्लियरली दिखाई देगा गेट का एग्जाम में क्वेश्चन जो आया हुआ है आप उसको भी खोल के देख लेना ऐसे ऐसे लाइन डायग्राम ड्रॉ किए गए हैं लाइन डायग्राम ड्रॉ किए गए हैं डियर उसमें तो उसमें तो ऐसे भी नहीं बनाएगा उसमें तो सीधे लाइन डायग्राम ड्रॉ कर दिया है ठीक है ना तो हालत खराब हो जाएगी मैं बता रहा हूं समझ ही नहीं पाओगे फिर कहोगे कि सर आपने पढ़ाया है नहीं है ना यू कैन सी दिस तो बी और सी एक ही साथ पे है ओके सी से कौन कनेक्ट है जी सर सी से डी कनेक्ट है देखो ध्यान से देखना। हाइलाइटर ले लो भैया ब्लू कलर चलो ये ले। देखो सी से कौन कनेक्ट है सर जी डी सी से कौन कनेक्ट है सी से देखो कौन कनेक्ट है सर ये डी दिस इज वॉट दिस इज डी ओके पूरा का पूरा फोकस से देखो ध्यान से फोकस रखो और आंसर आपके हाथ ठीक है ना दिस इज द इंटरनल गियर ठीक है अब इंटरनल गियर सर ऊपर से ही कांटेक्ट है इंटरनल गियर का ऊपर से कांटेक्ट है नीचे खाली है तो देखो इंटरनल गियर जो है ऊपर से ही बस गियर के साथ कांटेक्ट है नीचे ऐसे का ऐसे ही खाली रखा होगा देखो नीचे कोई गियर कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा प्लीज बी फोकस फोकस रखिए एक बार समझ में आ गया सब समझ में आ जाएगा दिस इज द इंटरनल गियर ए ए कनेक्ट है बी के साथ बी और सी एक साथ पे सी कनेक्ट है डी के साथ दैट्स इट नाउ द लास्ट टर्म इज वॉट आर्म वेर वेर इज आर्म सर आर्म इज दिस चलो पेन सही करते हैं आर्म क्या है जी सर ये अड़ा आर्म आर्म इज दिस ये हमारा आर्म है यू कैन सी दिस ठीक है तो हमारे सामने चार चीजें हैं एक ए का बी के साथ कनेक्शन बी सी कंपाउंड है सी का डी के साथ कनेक्शन और एच तो ए का बी के साथ कनेक्शन बी और सी कंपाउंड है सी का डी के साथ कनेक्शन और एक आर दैट्स इट क्लियर है एक बार बता दो क्लियर है नाउ इट शुड बी क्लियर यस और नो सर वन स्टूडेंट आस्क मी सर वेयर इज दिस सेंटर ये सेंटर कहां गया ये सेंटर ये रहा

या आप ऐसे कह लो कि एक घुमाने के लिए आर्म को रोटेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा लगा हुआ दैट्स इट इसका कोई मतलब नहीं नाउ नाउ सर कहानी खत्म नहीं हुआ अब मेरा क्वेश्चन है आपसे मैंने कहा आप पूछना है आपसे कि ये तो कंपाउंड गियर ट्रेन है मैंने कहा कंपाउंड हम क्या पढ़ने आए हैं आज हम पढ़ने आए कंपाउंड गियर ट्रेन में यस सर दिस इज द कंपाउंड गियर ट्रेन है या सो कंपाउंड गियर ट्रेन इज आल्सो कॉल्ड सन एंड प्लैनेट गियर

ये जो डी है ना सर डी इज डी इज सन गियर डी इज डी इज सन गियर बी एंड सी इज वट दिस इज द कंपाउंड गियर बट दिस इज वट दिस इज अ प्लैनेट गियर सन के साथ जो कनेक्ट है वो क्या है प्लैनेट सन के जो बगल में रोटेट करता है वो क्या है प्लैनेट और उसके ऊपर क्या है सर्दे से दरिंग क्लियर क्लियर इज दैट क्लियर दिस इज सन गियर यू कैन सी दिस दिस इज सन गियर ना दिस इज कंपाउंड गियर ऑल्सो कॉल्ड प्लेनेट ये समझना है, आ ये बनाना है। देखो अभी तो तुमने क्या सीखा अभी तुम्हें मैंने सिखाया ये गाइज अभी मैंने आपको इससे ये सिखाया है और आपको अंदर से फील हो रहा है कि मैं इससे ये बना लूंगा ना आपको अंदर से फील हो रहा है ना कि मैं इससे ये बना लूंगा बोलो या ना हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर आप अगर आप ए टू जेड चीजें जानते हो अगर आप जानते हो व्हाट इज कंपाउंड गियर व्हाट इज एपी गियर व्हाट इज इंटरनल गियर व्हाट इज सन गियर तो आप बना सकते हो ना बहुत आसानी से बना सकते हो अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया है मेरे बच्चों में इससे यह बना के दिखाया है ठीक है ना मेन टास्क मेन कार्य जो सबसे बड़ा टफ टास्क है वो ये इससे यह बनाना लेकिन आपके अंदर से आवाज आ रही होगी कि मैं बना लूंगा देखो मैं गलत नहीं हूं इससे ये अब तुम बना लो गीजन तो क्या है रीजन ये क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि जो बैंड होगा जो बैंड होता है वो क्या होता है इंटरनल होता है ये इंटरनल गियर का साइन होता है फिर एक साथ में होगा तो कंपाउंड होगा ये है सन इट बन जाएगा फटाख से देखे ना एनुलर गियर जो इंटरनल गियर है वो नीचे से किसी के साथ कनेक्ट नहीं है मतलब नीचे खाली है खाली है ठीक है बता दो इतना क्लियर है बना लोगे अब बना लोगे अब तो इससे ये बन जाएगा मैंने इससे आपको ये बनाना सिखा दिया एग्जाम में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है ये आ गया तो भगवान का दुआ करिएगा कि बहुत अच्छी बात है यही आए क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है लेकिन इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा टफ होता है इसीलिए अगर ये आता है क्वेश्चन में तो इसको हम पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं फिर टेबल बनाते हैं अदरवाइज जिसके जो बाजीराव है बाजीराव जानते हो ना कौन बाजीराव की तीन क्वालिटी थी मूवी के अंदर पता ही होगा ठीक है ना तो बाजीराव की जो है बेटा जो बाजीराव है मतलब खतरनाक वाला एकदम निगाह जिसकी है एकदम वो देखते ही समझ सकता है अच्छा दिस इज कंपाउंड दिस इज इंटरनल दिस इज दिस पटाख से बना सकता है वो लड़का उस लड़के को इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना ध्यान रखिएगा तो आपकी नजर बहुत खतरनाक होनी चाहिए आपका फोकस बहुत खतरनाक होना चाहिए इसको देखकर समझ में आ जाना चाहिए क्या चल रहा है ये नहीं कहीं कंफ्यूज हो गए पता चले इसको भी गियर मान के बैठे हैं ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है चलो सर सब कुछ पता चल गया मैंने कहा क्या पता सर कह रहे इससे ये इससे ये खत्म मैंने कहा तो खत्म कहां हो गया भाई अब तो टेबल देखेंगे अब तो हम इन गियर का एक टेबल दिखाएंगे आप क्यों टेबल नहीं देखना देख रहे हैं सर बिल्कुल चलिए टेबल देखते हैं टेबल देख लिया तो सब सीख लिया दैट्स इट इसके बाद टेबल बना लिया तो भैया उसके बाद क्या है क्वेश्चन में जो दिया है वो पुट करो खत्म कहानी अगर कोई चीज फिक्स है तो वो जीरो है अगर कोई आर्म का जो दिया है अगर ए, एंटी क्लॉकवाइज दिया है तो पॉजिटिव ले लो क्लॉकवाइज दिया नेगेटिव ले लो क्वेश्चन में है ही क्या एपी गेट गेट का क्वेश्चन कुछ है नहीं सर टेबल बनाना सिखा दो इट कहानी खत्म बिल्कुल चलो तो टेबल बनाने से पहले आपको कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेते हैं क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेते हैं एक्सटर्नल गियरिंग इंटरनल गियरिंग यहां मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन सी दिस अगर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन रोटेट करेगा तो क्या होगा नेगेटिव साइन लेकर जाएगा सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव साइन लेकर आएगा समझ में आया इतनी चीजें मैंने आपको कल बताई थी चलिए अच्छा आपको क्या लग रहा है सबसे पहले क्या होगा मैं आपको बता देता हूं एक चीज बिल्कुल ध्यान से पूरे फोकस से इस लाइन को सुन लो तुम्हारा काम हो जाएगा सर टेबल बनाते हैं ना तो सबसे बड़ा टेंशन जानते हैं क्या क्या होता क्या होता है है मैंने कहा सर सबसे बड़ा टेंशन होता है इसके बाद कौन ले इसके बाद किसको ले इसके बाद किसको ले बोलो वहां या ना जी सर मैंने कहा अच्छा हमने कहा चलो मैं इसका टेंशन दूर कर देता हूं कहता सर उसके बाद भी एक टेंशन है मैंने कहा क्या कहता उसके बाद ना सर ये पहला वाला लाइन अगर कोई लिखना सिखा दे तो बस दूसरे वाले लाइन में तो एक्स का मल्टीप्लाई करना है और तीसरे वाले लाइन में वाई को ऐड कर देना है और चौथा वाला लाइन तो वैसे भी टोटल है इन दोनों का सम ये जो दो रो है बात समझ रहे सर पहला लाइन कोई सिखा दे और यहां ये लिखना सिखा दे दैट्स इट यही टेंशन है ना बस यही टेंशन है और कोई टेंशन नहीं है अरे वाई को ऐड करने में कोई दिक्कत है एक्स को मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है नहीं सर चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहानी सबसे पहले मैं आपको यह सिखाता हूं यहां कैसे रखते हैं इसके बाद कौन इसके बाद कौन इसके बाद कौन उसके बाद मैं आपको यह सिखाऊंगा चल बेटा देखो आपको क्या करना होता है सबसे पहले स्टार्ट करना होता है खेल शुरू कहां से हो रहा है तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कहां से करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्म आर्म के बाद कौन होता है ड्राइवर जरूरी नहीं है ड्राइवर हमेशा छोटा हो जरूरी नहीं है ड्राइवर हमेशा छोटा हो बट आपको देखना है फोकस रखना है कि ड्राइवर है क्यों क्या हो सकता है कौन ड्राइव कर सकता है ये सब चीज ठीक ना कोशिश रखनी देन उसके बाद ड्राइवर के साथ जो कनेक्टेड है ठीक ना जैसे ड्राइवर के साथ जो कनेक्टेड है वो रोटेट करते जाए सबसे पहले कौन रखेंगे आर्म आर्म का नाम क्या है एच तो इसका नाम एच आर्म एच हो गया अब देखो आर्म के ऊपर कनेक्टेड कौन है अब ये देखो अगर आर्म रोटेट करेगा तो सबसे पहले कौन घूमेगा सबसे पहले प्लेनेट घूम जाएगा नहीं सर सबसे पहले घूमेगा सन ठीक है ना सबसे पहले कौन घूमेगा सन अब सन घूमेगा सन का नाम है डी अगर डी घूमेगा तो कौन घूमेगा सी अगर सी घूमेगा तो बी एंड सी कंपाउंड है तो ऑटोमेटिकली बी घूमेगा ठीक है ना तो ऑटोमेटिकली बी घूमेगा तो बी एंड सी एक साथ आएगा मैं यहां लिख देता हूं सबसे पहले आर्म फिर घूमेगा डी और डी आर्म के ऊपर कौन है पहले डी है डी के साथ कौन है सी लेकिन सी और बी कैसे है भाई कंपाउंड तो सी ऑब्लिक बी लिख देते कंपाउंड कैसे लिखते हैं सी ऑब्लिक बी या बी ऑब्लिक सी अब मैं कह रहा हूं अगर बी घूमेगा तो कौन घूमेगा ए है कि नहीं सन ए पहले आर फिर सन फिर सी और बी फिर बी घूमेगा तो ए घूमेगा यस और नो बताओ <coughs> यस और नो क्या कह रहा है सर इन द इंटरनल गियरिंग डायरेक्शन आर सेम बट द डायरेक्शन कहा लाइन डायग्राम में डायरेक्शन डायरेक्शन सो रहा है क्या कहीं कही? कही? टीथ को डायरेक्शन तो नहीं सो से सोच लियो बेटा अरे गलती कर रहे हो ये टीत का लाइन है ये डायरेक्शन नहीं है कहा दिख रहा है तुमको मैक या हाँ डी जो है बेटा ये सेंटर पे नहीं है इसका थोड़ा लाइन डायग्राम में दिक्कत है ये थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए यहां और यहां से लेना चाहिए था इसको हाँ ये चीज मैं मानता हूं कि डी गियर का सेंटर जो है ना थोड़ा और ऊपर होना चाहिए ये इसका सेंटर यहां से थोड़ा पास होना चाहिए गियर यहां से होना चाहिए इतना होना चाहिए ये मैं मानता हूं आर के बट ठीक है जो है ठीक ठाक है चल काम चला हुआ है पहले अपन ने आर्म घुमाया फिर क्या घुमाया डी डी से फिर सी सी ऑब्लिक बी दोनों एक ही होगा और बी घुमेगा तो ए घूमेगा यही चीज है बिल्कुल है पहले आर्म घुमाया फिर घुमाया डी डी से घुमा बी ऑब्लिक सी कंपाउंड फिर बी घूमेगा तो कौन घुमेगा दैट्स इट यही खेल है यही खेल है अब तुम सोचो अब तुम सोचो सर पहले हम आर्म घुमाते मान लो तुमने गलती कर दी पहले तुम आर्म घुमाते और तुम क्या घुमा देते सी ऑब्लिक बी ठीक है ना मान लो पहले तुम डी नहीं घुमाते मान लो तुम पहले सी ऑब्लिक बी घुमा देते अब तुम जरा सोचो तुम अगर सी ऑब्लिक बी घुमा देते तो दो दो कैंडिडेट तैयार होते दो 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 कैंडिडेट तैयार होते रोटेट करने के लिए कौन सी घुमाता डी को और बी घुमाता ए को क्योंकि ये तो रोटेट कर चुका है सी घुमाता डी को और एक बी घुमाता ए को अब दोनों लड़ते कि यहां कौन आएगा है कि नहीं दोनों में लड़ाई हो जाती कि यहां कौन आएगा समझ रहे हो इसीलिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है इसी को रखो सर अगर मान लीजिए मेरा दिल का तमन्ना करा मेरा इच्छा करा कि मैं यही करूं तो बेटा यही करूं तो फिर मुझे मत कहना कि क्या हो गया एग्जाम में ना तुम्हारे दिल की तमन्ना हमेशा नहीं सुनी जाती जो है सो है इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर अब समझो पहले आर्म लिया फिर डी फिर बी से सी फिर ना अब पहला लाइन एक बार समझ जाए अरे सर कल तो सीखे थे हमने कहा नहीं बेटा कल तुम सिर्फ यहीं तक सीखे थे आज वो सीखना है आज ये वाला कॉलम सीखना है सुनो मेरी बात बहुत टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन लाए मैं मजाक नहीं कह रहा हूं मैं आपको बहुत टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन से आज मुलाकात करवाने वाला हूं आपको क्या लग रहा है बहुत टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन है आज ये देखो छोड़ूंगा थोड़ी ना आज इसका बनवा के जाऊंगा मैं आज इसका टेबल फॉर्मेशन नहीं करा दिया तो कह देना इतना टेढ़ा कोई नहीं है मैंने जो ढूंढा मेरे को सबसे खतरनाक यही लगा सबसे टेढ़ा सबसे खतरनाक यही लगा कि ड्राइवर ढूंढते ढूंढते लड़का परेशान हो जाएगा पूरे एग्जाम भर में ड्राइवर ही ढूंढता रहेगा आर्म घुमाने के बाद कौन घूमेगा है ना तो ये सब दिक्कतें हैं आ, तो मैं आपको ये सब क्वेश्चन भी आज करा के ही जाऊंगा टेंशन मत ठीक है चलो और थोड़ा सा पीछे चलते चलो बेटा देखो हमेशा स्टार्ट होता है तो क्या लिखते हैं आर्म पिक्स फिर ड्राइवर कौन है गियर डी तो गियर डी रोटेट करेगा प्लस वन रिवॉल्यूशन क्योंकि वो कैसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज ठीक है ये प्लस वन ये जीरो लिख दिया बिल्कुल आर्म फिक्स है तो जीरो। प्लस वन आर्म फिक्स फिक्स है है तो तो गियर गियर डी डी क्लियर क्लियर मैं लोग एक चीज और बताना चाहूंगा इस चैप्टर के जस्ट बाद गवर्नर पढ़ेंगे गवर्नर की पहली क्लास जरूर ले लेना बहुत मजेदार झमाझम जाम क्लास है लगातार आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी हिस्ट्री ऑफ गवर्नर ठीक है ना बहुत ही लाजवाब तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरे एनिमेशन के साथ हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं तो आना जरूर। आर्म फिक्स और गियर डी रोटेट कर रहा नाउ कंपाउंड गियर बी एंड सी है। अब सुनो गियर डी ने किसको घुमाया चलो जरा चलते हैं पीछे आपको तो पता है ना किसने किसको घुमाया ड्राइवर ने ड्रीवन को घुमाया तो ड्राइवर अपॉन ड्रीवन अगर ये एक्सटर्नल है तो माइनस इंटरनल है तो प्लस यही ला ना कल यही बताया था ना किसने किसको घुमाया तो डी ने किसको घुमाया सी को घुमाया तो डी ने सी को घुमाया मैटर ये नहीं करता कौन बड़ा कौन छोटा किसने किसको घुमाया डी ने तो सी को घुमाया तो डी अपॉन सी दैट्स इट डी अपॉन सी समझ में आया किसने किसको घुमाया डी ने सी को घुमाया डी अपॉन सी दोनों कैसे हैं सर दोनों एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट गियर हैं डी और सी कैसे हैं भाई एक्सटर्नल गियरिंग एक्सटर्नल गियरिंग तो क्या लग गया भाई माइनस माइनस साइन किसलिए लगा एक्सटर्नल गियर है दैट्स इट, no. अब आ रही बारी, बारी बात किसकी गियर ए की है बेटा थोड़ा समझना यहां तक तो कल समझा ही दिया था थोड़ा सा आगे स्टेप एक कदम आगे स्टेप रखा कहते हैं कि तुम डायग्राम में जितना इधर भागते जाओगे मतलब गियर ए के बाद भी अगर कोई होता क्योंकि तो बहुत सारे गियर आएंगे अभी तो चार्ट इतना ही नहीं अभी इतना बड़ा चार्ट बना दूंगा इतना बड़ा टेबल बनेगा बहुत सारे कॉलम खींचेंगे कहते हैं तुम इसके आगे जितना आगे जानो जाओगे ठीक है ना तुम स्टार्टिंग पॉइंट से ही जाना मतलब नहीं समझे दिखाते तुम ऐसे जाना तुमको अब किसको घुमाना है डी ने सी को घुमा दिया जी सर अब सी से बी अपने आप अप घूमेगा कंपाउंड गियर है अब बी ने किसको घुमाया? ए को घुमाया बोलो या ना जी सर ना अब कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेना है तुम्हें कहां से सर जन्म कहां से हुआ है डी से अगर डी नहीं घूमता तो क्या ए घूमता नहीं सर तो डी घूमा तो सी घूमा सी घूमा तो बी अपने आप घूमा और बी अपने आप घूमा तो कौन घूमा ए घूमा तो डी ने सी को घुमाया और बी ने ए को घुमाया और बी और सी एक दूसरे के क्या है भाई क्या है भाई सर बी और सी एक दूसरे के क्या है सर कंपाउंड है क्लियर अब तुम सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ कुछ लोग इसको पढ़ाते समय ये बोल देते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ ए ने गियर बी ने ए को घुमाया कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं देखो मैं बताता हूं मैं आपको बता देता हूं बी ने ए को घुमाया तो कहते हैं बी अपॉन ए और दोनों इंटरनल गियर हैं तो पॉजिटिव ठीक है ना सॉरी आप बी ने ए को घुमाया तो इंटरनल गियर है तो पॉजिटिव बी ने ए को घुमाया तो इंटरनल गियर तो पॉजिटिव फिर वो कहेंगे क्या कि जो पीछे लिखे उसका मल्टीप्लाई कर दो ये कहना आसान है जो पीछे लिखे उसका मल्टीप्लाई कर दो आपको भी नहीं अगर समझ में आता है तो जो पीछे लिखा उसका मल्टीप्लाई कर दो दैट से अगर अगले कॉलम में जाते हो जो पीछे लिखा है बस उसका मल्टीप्लाई कर दो दैट्स इट क्लियर है अदरवाइज व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस क्यों मल्टीप्लाई करते हैं सर क्यों करते हैं हम इसका मल्टीप्लाई क्यों करें हम इसका मल्टीप्लाई बेटा ये क्या है आपको पता है क्या है सर ये क्या है पता है आपको क्या है सर बेटा ये है वेलोसिटी रेशियो स्पीड रेशियो पढ़े थे हां सर क्या था ड्राइवर अपॉन ड्रिवेन हां सर तो वही तो कर रहे हैं वही तो कर रहे हो तुम बार बार किसने किसको चलाया ड्राइवर यही तो देख रहे हो तुम बार बार बिल्कुल yes no? किसने किसको चलाया यही तो कर रहे हो ठीक है ना तो वेलोसिटी रेशियो जब हम आगे बढ़ते हैं जैसे मान लो मैं आपको अब दिखाता हूं थोड़ा ध्यान से देखना डी ने सी को घुमाया तो वेलोसिटी रेशियो कहता है ड्राइवर अपॉन ड्रिवन टी डी अपॉन टीसी तो पता आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाते मल्टीप्लाई होता है, याद है? याद टी डी अपॉइन डी ने सी को घुमाया नेगेटिव घुमायान टू पॉजिटिव अब टी बी अपॉइंट डी क्लियर ये टोटल होता है डी ने सी को घुमाया नेगेटिव साइन बट बी ने ए को घुमाया इंटरनल गियर इसलिए पॉजिटिव साइन या एक्सटर्नल गियर इसलिए नेगेटिव साइन आप देखो सबसे आसान तरीका यह है कि जो पीछे लिखा है बस उसका मल्टीप्लाई यहां कर दो कहना सबसे आसान है बट वट इज द रीजन रीजन बिहाइंड दिस ये रेशियो ठीक ना और ए का क्या हुआ बी ने ए को घुमाया इट यही मल्टीप्लाई हुआ इट बताओ इतना क्लियर है इतना क्लियर है? एक बार बताते चलो एक बार बता दो इतना क्लियर है पहला लाइन क्लियर हो गया सर आर फिक्स जीरो और ये प्लस वन रिवॉल्यूशन लेगा ही लेगा फिर डी ने किसको घुमाया सर सी को घुमाया तो डी ने सी को घुमाया ना फिर बी ने किसको घुमाया ए को घुमाया दैट्स इट आपको फोकस करना है ठीक है पहला लाइन क्लियर तो सब क्लियर चार्ट खत्म दूसरे में क्या करते हैं दूसरे में करते हैं कि वन का मल्टी वन यहां पूरे उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं जीरो इंटू एक्स जीरो वन इंटू एक्स एक्स इसमें एक्स का मल्टीप्लाई माइनस एक्स टीवी माइनस एक्स टीडी पॉइंट बिल्कुल फिर चौथ तीसरे लाइन में क्या करते हैं प्लस वाई मल्टी वो कर देते हैं जोड़ देते हैं जीरो प्लस वाई वाई एक्स सॉरी यहां वाई हो गया सब में वाई प्लस करेंगे यहां देखो जीरो प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई और इसमें वाई का प्लस करो तो वाई माइनस एक्स टी डी अपॉन टी सी वाई माइनस दिस अपॉन दिस सो दिस इज दर्ट अगर मैं अब आपको बताना चाहू दिस इज द स्पीड ऑफ आर्म दिस इज द स्पीड ऑफ गियर डी दिस इज द स्पीड ऑफ कंपाउंड गियर एंड दिस इज द स्पीड ऑफ गियर एके सो दिस दिस इज वॉट दिस इज स्पीड यह क्या स्पीड है बताओ इतना क्लियर है गाइज एक बार कमेंट कर दो थैंक यू आर के क्लियर है एक बार बता दो बच्चा एक बार बता दो क्लियर है जो भी बताया आपको भी क्लियर है यस और नो क्लियर है चार्ट इज क्लियर यस और नो चार्ट इज क्लियर यस और नो बच्चा लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में आग लगा दो चाह रहा हूं मजा आ जाएगा अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो ठीक है ना ये क्लियर कर लिया तो मजा आ जाएगा और जो बच्चे इस बार एस एस जेई वगैरह का एग्जाम देने वाले हैं ठीक है ना उनके मेंस में एपी साइकिल गियर ट्रेन का देख लेना डन है क्वेश्चन आने वाला है मेन्स डन में। है इस बार आएगा आज तक नहीं आया ना कैन यू रिपीट लास्ट कॉलम ओके सी दिस नथिंग यू कैन सी दिस डी रोटेट सी सो टी डी अपॉन टी सी दिस आर द एक्सटर्नल गियरिंग डी टू सी दिस इज एक्सटर्नल गियर दैट्स वाई देअ ए नेगेटिव साइन minus td upon tc but c and b are compound if the c is rotated so b is also rotated yeah so my dear friend b rotate a so b rotate a tb upon ta but both are what internal gearing so that's why we are saying plus okay so how a is rotate sir first d rotate then c rotate okay then b rotate then a rotate okay so both are in multiply. This is what. This is the velocity ratio. Okay. This is the last column. This is the last column. Otherwise, otherwise, otherwise. B rotate A. AB upon TA positive because they are internal gearing, and you can multiply the last column. Multiply with last column. TD upon TC minus. That's it. This is the concept. दिस इज द टेक्निक यू कैन मल्टीप्लाई द लास्ट कॉलम दट सेट ओके हुई ना बात रावत बेटा क्वेश्चन ही है तुम समझे नहीं मेरी बात बेटा 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 अब इतना तुमने कर लिया तुम्हें ये मिल गया अब तुम्हें क्वेश्चन ही तो करना है तुम्हें मैं क्या, मैं क्या करोगे तुम यहां वैल्यू ही तो रखोगे अब मैं वैल्यू रख के टाइम पास करूं वो बेटर है कि मैं तुम्हें एक अलग सा एक क्वेश्चन और दिखाऊं कि देखो अब इसका क्या होगा अब इसका कैसे चार्ट बनेगा या तुम टाइम हो तुम्हारे पास तो बेटा मैं तुम्हें यह सिखाऊं कि देखो इसका टेबल कितना खतरनाक बनता है देखो यहां तीन तीन एक दो तीन 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 बार मल्टीप्लाई है कि नहीं है कि नहीं ना हम आज टेबल सीखेंगे क्वेश्चन करना हो तो एक क्लास और है अपनी एपिसाइकली गियर ट्रेन की एक और क्लास होगी टेंशन मत लो टेंशन मत लो बेटा कूल माइंडेड पहले टेबल सीखो टेबल सीख गए दुनिया सीख गए मैं गारंटी दे रहा एनएपिसाइकली गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री गियर आहा ए बी सी as शोन इन figure ओके दिस इज द फिगर द गियर ए हैज 72 टीथ चलो रैरावत देख लो टीए 72 and uh, gear c is 32 teeth the gear b messed with uh, a and c b mess with a and c what is ef sir ef is nothing but this is the arm okay carries and uh, ef rotate about center a 18 radian per uh, revolution per minute आरपीएम इफ द गियर ए इज फिक्स गियर इज फिक्स दैट्स मीन गियर ए का जो ये वैल्यू आएगा ये क्या होगा जीरो होने वाला है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ बी एंड सी हाँ दिस इज अ वेरी इजी स्पीड ऑफ बी इज दिस एंड स्पीड ऑफ सी इज दिस यही तो पता करना है एक्स और वाई पता कर लिए तो सब पता चल जाता है बेटा ये कंडीशंस तो आती रहेंगी जाती रहेंगी कोई दिक्कत नहीं है चलो मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर दूंगा मत लो ये ए है इंटरनल गियर ए इज वॉट इंटरनल गियर इंटरनल गियरिंग ए एंड बी ए टू बी इज वॉट इंटरनल गियरिंग बी टू सी इज वॉट एक्सटर्नल गियरिंग ओके एंड ई एफ इज आर्म देर इज अ थ्री थिंग्स या सर ए बी बी सी एंड द आर्म दैट्स इट ओके सबसे पहले अपन चार्ट में क्या लिखने वाले हैं आर्म अब देखो आर्म ने किसको घुमाया तुम कहोगे कि बी को घुमाया अगर बी घूमेगा सी दिस मैं आपको सारा सिचुएशन दे देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म देन अगर बी घूमा लेट अस सपोज बी को घुमा दिया तुमने बोला बी को घुमाया दिस माय डियर फ्रेंड देयर इज अ टू कैंडिडेट आर रेडी फॉर दिस बी ने सी को घुमाया बी ने ए को घुमाया बी रोटेट सी और बी रोटेट ए यहां दो दो कैंडिडेट खड़े हो गए कि मेरे को वोट दो जनता परेशान है ठीक है बात समझ में आया इसलिए ध्यान से रहे। घर में रहिए सेफ रहिए बाहर मत निकलिए कोरोना बहुत चल रहा है, ठीक है तो आर्म ने किसको घुमाया बाय डिफॉल्ट बाय मजबूरी आर्म ने सी को घुमाया हमारी मजबूरी थी कि बी को नहीं घुमाना है अगर बी घूमेगा देर इज ए टू कैंडिडेट आर रेट तो आर्म रोटेट सी वाई नॉट बी बी रोटेट सो सी एंड ए सी एंड ए बोथ विल वी रोटेट सो विच वन इज फर्स्ट सो देर इज अस्ट टू मच कंफ्यूजन दी रोटेट आर रोटेट सी फर्स्ट सी ठीक है ना जो बच्चा इससे बाइफरकेट करता है ना कुछ बच्चे होते हैं जो इससे बाइफरकेट करते हैं कि छोटा कौन है वो पहले रोटेट करेगा तो वो जीवन भर फंसा रहता है इसी चक्कर में आर्म ने सी को घुमाया सी ने बी को घुमाया और बी ने किसको घुमाया? ए को घुमाया सो सी बी ए। बी ए। आपको ऊपर वाली लाइन का टेंशन खत्म है आप लोग सच सच ईमानदारी से बताओ आपके ऊपर वाली लाइन का टेंशन खत्म है जी सर खत्म है सेकंड पॉइंट सर ये वाली लाइन का टेंशन और खत्म कर दो कहानी खत्म है पूरा टेबल अपने हाथ में ठीक है तो भाई इस समय भी क्या है आर्म फिक्स जीरो एंड जो अगला गियर होगा वो प्लस वन रोटेशन लेगा ही तो कौन है गियर सी इसी को देखकर पता चल जाता है गियर सी प्लस वन रिवॉल्यूशन और प्लस वन का मतलब होता है वो एंटी क्लॉक चला है दैट्स इट एंटी क्लॉकवाइज में प्लस ना दैट्स इट ओके ना गियर बी सी ने बी को घुमाया सी एंड बी इज वॉट एक्सटर्नल सी रोटेट बी तो

Internal gearing, so both is plus. But see this, B rotate A, so this is positive sign. But 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 but, by default, by default we can multiply this. है या नहीं? हम यहाँ इसको multiply करेंगे आगे, करेंगे ना? साधना गुप्ता कह रही हैं सर टेबल बनवाओ खतरनाक वाले बिल्कुल बेटा सब बनवाएंगे बिल्कुल बताएंगे टेंशन मत लो बेटा तुम एक एक करके सीखो एक एक करके मैं गारंटी देता हूं मक्खन की तरह गियर ट्रेन नहीं उड़ा दिया गारंटी दे रहा हूं मैं गेट एसी का क्वेश्चन खड़ा कर दूंगा ठीक है और ट्रिक भी दूंगा टेंशन टीवी इसका सीधे मल्टीप्लाई करो कहानी का बी ने ए को घुमाया इंटरनल केयरिंग पॉजिटिव ये इसका सीधे मल्टीप्लाई करो कहानी कम बी से बी कटा इससे ये कट गया माइनस टी टी सी अपॉन दैट्स इट क्लियर सो हियर दिस माइनस टी टी सी अपॉन ए माइनस टीसी पॉइंट टीए क्लियर या ना सी दिस दूसरा क्या करने का है अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे जी सर जीरो इंटू एक्स जीरो वन इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स टी से पॉइंट टी एंड माइनस एंड माइनस टी से पॉइंटी ओके डन 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 प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई ओहो This is the arm, speed of arm. This is speed of gear C. This is speed of gear B. This is speed of gear A. Yes or no? Yes or no? Now, pacha log, the question asked if the gear age is fixed, now the gear age is fixed, y minus x tc upon ta. this is what this is the sorry this is the speed of gear a so gear a is fixed so no. this is zero yes or no yes sir so y is equal to x this is 32 ta is 72 32 72 okay this is 32 upon 72 now see this uh, the gear b mesh with the gear a and c okay is carried on an arm ef which is rotate arm ef which is rotate about center of a 18 rpm okay Arm rotate this 18 rpm. Okay, that means whose arm? Arm is y. Arm rotate 18 rpm. So y is 18. So you can put here 18 x 32 over 72. So what is x? Guys, please solve. That is 40.5. This is x, this is y. Now the question says determine the b and a c. What is b? Sir, so this and c is this. Okay, c. Speed of c is x plus y, and speed of b is y minus x. सी अपॉन टीबी ठीक है सो यू कैन पुट द वैल्यू ईच एंड एवरी वैल्यू एंड गेट द आंसर ठीक है ना हो जाएगा हो जाएगा क्लियर चलो ना अब इसका करते हो जाएगा आसान ना अब इसका करते या प्लीज सी दिस प्लीज सी दिस गाइस प्लीज सी दिस अरे अब कैलकुलेशन है यार अब क्या उसमें गुणा भाग करना भी मैं सीखा सी दिस द वेरी ब्यूटीफुल 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 क्वेश्चन या सर वेरी 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 इजी क्वेश्चन क्यों सर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया दैट्स इट सर यहां हो क्या रहा है पहले तो ये समझाओ चल क्या रहा है देखो इसका टेबल कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा ठीक है ना देखो ध्यान से दिस इज द आर्म दिस इज द आर्म ओके आर्म इज वॉट जी एयर आर्म इज जी आर्म रो आर्म कनेक्ट ई एंड एफ Okay. Arm connect E and F and D. D oblique C. See this. D oblique C is compound. Hmm. Arm connect E. Gear E, okay, then gear F, okay, F connect B internal gearing. ओके okay. एक सेकेंड वेट एफ कनेक्ट बी एंड ई कनेक्ट ए इंटरनल गियरिंग बस तुमको यही लिख लेना है जो मैं यहां लिख रहा हूं ना आपको वैसे ही लिख लेना है मैं क्या कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं मैं ऐसे देख रहा हूं आर्म जो है ये कनेक्ट है किसके साथ सी और डी के साथ जो कि कंपाउंड भी है अगर आर्म रोटेट करेगा तो एक ये भी है हमारे सामने एक ऑप्शन ई ई रोटेट करेगा तो ए रोटेट करेगा है ना एक काम खत्म है ना और दूसरा आर्म रोटेट करेगा तो सी और डी रोटेट करेगा अगर सी और डी रोटेट करेगा तो भैया डी रोटेट करेगा तो एफ रोटेट करेगा और एफ रोटेट करेगा तो बी रोटेट करेगा काम खत्म समझ में आया है कि नहीं यहां देखो समझने की कोशिश करो फील करो बस इतने सारे गियर हैं बिल्कुल एक बार मैं और कुछ काम कर लेता हूं अगर आर्म जी रोटेट करेगा तो ई रोटेट करेगा ई रोटेट करेगा तो ए रोटेट करेगा ये और ई रोटेट करेगा तो आ, सी भी रोटेट करेगा इसे सी अंडर वाला डी है बाहर वाला सी है तो ई से सी अगर मैं बात करूंगा यहां ई से जो सी का कनेक्शन है ये एक्सटर्नली है एक्सटर्नल गियर ठीक है और सी से डी घूम जाएगा और डी से एफ ठीक है और डी से जो एफ घूमेगा ये भी कैसे है एक्सटर्नल गियर है और एफ से जो बी घूमेगा दे आर इंटरनल ओके डन है ना आर्म से ई e घूमेगा बिल्कुल डन देखिए ध्यान से एक बार बहुत प्यार से एकदम समझने की कोशिश करना एकदम समझने की कोशिश करो देखो ये हमारा क्या है डियर दिस इज आवर आर्म ये क्या है डियर दिस इज आवर आर्म मैं बिल्कुल हाईलाइटर उठा के आपको दिखाता हूं देखो आर्म जो है बच्चा आर्म यस फोकस आर्म जो है आर्म किसको पहले रोटेट कर सकता है सर आर्म दो चीजों को रोटेट कर सकता है किसको तीन चीजों को क्या क्या कर सकता है मैं आपको बता देता हूं देखिएगा तीन कैंडिडेट रेडी है एक तो सर ई कनेक्शन दिखा देता हूं मैं सीधे एक तो तैयार है कौन ई ठीक ना एक कौन तैयार है ई एक तैयार है आर्म रोटेट करेगा तो एक तैयार होगा एफ है कि नहीं और सर अगर आर्म रोटेट करेगा तो एक कैंडिडेट और तैयार है वो कैंडिडेट है सी ऑब्लिक डी कुछ भी एनीथिंग चाहे ये चाहे ये कोई भी एक कोई भी एक सी ऑब्लिक डी तो बात एक ही होगी ना यहां तीन कैंडिडेट हैं अगर आर्म रोटेट करेगा तो अब देखो फायदा किस में अब देखो फायदा किस में मेरे बच्चों ध्यान से देखो देखो सब अलग अलग कनेक्शन है अगर आर्म रोटेट करेगा अस सपोज अस सपोज E रोटेट करेगा मैं कॉम्बिनेशन बनाने जा रहा हूं अगर आर्म रोटेट करेगा मैं ऐसे आर्म रोटेट करेगा अगर ई e रोटेट करेगा अगर ई e रोटेट करेगा, e करेगा तो क्या रोटेट करेगा ए है कि नहीं अगर ई e रोटेट किया तो ए रोटेट करेगा है कि नहीं एक कॉम्बिनेशन खत्म ठीक है ना सी दिस सी दिस सी दिस आर रोटेट करेगा तो ई e, और ई e रोटेट करेगा तो ए कॉम्बिनेशन खत्म नाउ अगर ई e रोटेट करेगा सी दिस अगर ई e रोटेट करेगा तो सी ऑब्लिक डी भी रोटेट करेगा बोलो या ना और ई e रोटेट किया तो सी ऑब्लिक डी दोनों रोटेट करेगा यस और नो और अगर सी ऑब्लिक डी रोटेट किया तो भाई यहां देखो ध्यान से डी से कौन कनेक्टेड है डी से कनेक्ट है एफ D अगर कनेक्ट है तो भैया एफ भी रोटेट करेगा बोलो हाँ यानी तो ये कॉम्बिनेशन में सब आ जा रहा है लाइन बाय लाइन ई रोटेट करेगा तो ए रोटेट करेगा कहानी खत्म ई रोटेट करेगा तो डी और सी करेगा D और C करेगा तो डी के साथ एफ कनेक्ट है F कर जाएगा दैट्स इट कहानी खत्म तो मेरे भाई इस कॉम्बिनेशन में सब है मतलब आर्म को रोटेट कराने के बाद अगर आप ई e को रोटेट कराओगे तो ज्यादा फायदा है सर नहीं मेरा इच्छा है आर्म रोटेट करे तो डी और सी रोटेट करे या आर्म रोटेट करे तो एफ रोटेट करे चलो मैं आपकी बात मानता हूं अगर आर्म रोटेट करो तो एफ रोटेट करे आर्म रोटेट करेगा तो एफ रोटेट करेगा एफ चलो मैं यहां इसको एक और कॉम्बिनेशन लिख देता हूं देखो बेटा जरूरी नहीं है कि जैसा हो वैसा ही से आंसर आएगा जरूरी नहीं है मैं आपको लिख के देता हूं यहां देख अगर आर्म रोटेट करेगा तो एफ रोटेट करेगा चलो मैंने मान लिया पहले एफ रोटेट करेगा क्या दिक्कत है ई e को क्यों रोटेट करें? F करा दो कराओगे तो क्या घूमेगा बेटा सर बी घूमेगा कहानी खत्म क्योंकि बी घूमेगा तो कोई फायदा नहीं है लेकिन जब एफ घूमेगा तो कौन घूमेगा डी घूमेगा और डी घूमेगा तो सी घूमेगा मतलब डी ऑब्लिक सी घूमेगा और अगर सी घूमेगा तो कौन घूमेगा सर सी से ई e घूमेगा और ई e घूम गया तो ए घूम जाएगा कहानी खत्म और यहां एफ घूम गया तो यहां एफ घूम गया तो बी घूम जाएगा कहानी खत्म मतलब आप इन दोनों में से किसी भी एक को फॉलो कर सकते हो दैट्स इट आप इन दोनों में से किसी भी एक को फॉलो कर सकते हो जरूरी नहीं है कि मैं जो यहां दिखाऊं वही सही है जरूरी नहीं है आप इसको या इस रास्ते को किसी को रास्ते को फॉलो कर सकते एक चिंटू ने कहा सर मारा तीसरा कैंडिडेट तैयार है मैंने कहा कौन कहता ये अगर मान लीजिए आर्म रोटेट किया और सी और डी रोटेट किया तो मैंने कहा सी और डी रोटेट कर जाएगा जरा सोचो किसी भी लिंक के ऊपर दो साइड में ये हैं अगर तुम इस लिंक को रोटेट करा रहे हो ये और ये पहले रोटेट करेंगे कि बीच वाला रोटेट करेगा पहले ये बीच वाला रोटेट करेगा कि पहले ये दोनों करेंगे सही बात ये बाद में रोटेट करेगा एज कंपेयर टू दिस ये पहले ये पहले रोटेट करेगा लेकिन ये बाद में करेगा तो इसीलिए इस कैंडिडेट को कैंडिडेट में मानता ही नहीं बिकॉज वो सेंटर पे है ठीक है सीसा झूला खेले हो जी सर खेले हैं सीसा झूला पे सेंटर पे बैठा दो चिंटू को और बबलू और बबली दोनों कॉर्नर बैठे पहले कौन घूमेंगे सर ये दोनों रोटेट करेंगे कॉर्नर वाले पहले बीच वाले को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि दोनों सेंटर ऑफ मास एक ही है दोनों का ठीक है ए एंड बी आर नो 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 ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल गियर्स बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल गियर्स आपको ये जो दिख रहा है ना बेटा ऐसे वो ऐसे है नहीं एक साथ सारे कनेक्ट नहीं है एक साथ सारे कनेक्ट नहीं है मेरे बच्चे आर्म ऐसे होगा देखना आप समझने की कोशिश करना आर्म ऐसे होगा तो एक इतना आगे गया होगा यहां से ये वाला सेंटर जो आपको दिख रहा है ये इतना आगे गया होगा फिर यहां कहीं गियर ई होगा उसके ऊपर ए होगा ठीक है और यहां से छोटा सा गया होगा एफ यहां कहीं ये एफ होगा और इसके ऊपर बी होगा मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं वो तो आप इधर से देख रहे हो इसीलिए सब एक साथ दिख रहा है बट इनके बीच में गैपिंग है अलग अलग डिस्टेंस पे क्लियर अलग अलग डिस्टेंस पे क्लियर है तो बेटा आप इससे भी जा सकते हो और यहां से भी जा सकते हो यहां से भी जा सकते हो यहां तक अब देखते हैं इसने क्या फॉलो किया इसने ये फॉलो किया आर्म से स्टार्ट हुआ बी तक गया आर्म से स्टार्ट हुआ बी तक गया उसने ये फॉलो किया ऊपर वाला आप आर्म से स्टार्ट होकर ए पे चले जाओ कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना अब देखो आर्म से ई से ए लेकिन ए का तो कोई खेल ही नहीं है ए के बाद तो सब खाली है जी सर सीरीज कैसे चल रहा है ये ऐसे चल रहा है तो एक काम करो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं जाए मैंने कहा कैसे कद देखो आर्म कद ई और ए लिखने की अपेक्षा ऐसे लिखो आर्म कद ए लिख दो ए की कहानी ही खत्म है जी सर ए की कहानी खत्म है उसके बाद कौन घूम रहा है ई अगर ई e घूमेगा तो ई e से सी डी फिर F देन B सी डी एफ देन बी ई से सब कनेक्टेड है ना जी सर ए e को तो ऐसे ही छोड़ना था जी सर अगर कोई चार्ट से पढ़ के ये बताना चाहेगा तो नहीं बता सकता इससे पढ़ के चार्ट बनाया जाता है टेबल ठीक है ना इससे पढ़ के टेबल बनाया जाता है इससे पढ़ के इसको नहीं देखा जाता समझे मेरी बात कुछ बच्चे होते हैं जो इसको देखते हैं और इसी से इसको जोड़ने की कोशिश करते नहीं 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 इसको देखो यहां से सीखो और फिर इसमें कन्वर्ट करो नहीं तो कहेगा कि आर्म से ए रोटेट करेगा तो वो ढूंढते रहेगा आर्म से ए कहां कनेक्ट है भाई वो ढूंढते रह जाएगा जिंदगी भर की आर्म से ए कहां कनेक्ट है ठीक है ना तो इसीलिए इससे ये बनता है इससे ये नहीं बनाया जाता ठीक है ध्यान से

ए से ई e घुमा तो ए अपॉन ई ए और ई e में क्या फर्क है बेटा ए और ई e दोनों क्या है इंटरनल गियर है ए और ई e क्या है सर इंटरनल गियर है पॉजिटिव ओके अब समझो मेरी बात ई e से कौन घुमा सी ई e से सी घुमा दोनों क्या है एक्सटर्नल गियर है नेगेटिव इसको इसके साथ यहां मल्टीप्लाई कर दो ई e से सी घुमा दोनों नेगेटिव बेटा ये नेगेटिव साइन इसका नेगेटिव साइन यहां लिखा है इसका नेगेटिव साइन यहां लिखा है और ये वाला ये रहा ठीक है ना ये मल्टीप्लाई हो गया ये आ गया फिर यहां से ये मिल गया बिल्कुल अब इसका मल्टीप्लाई हम तो यहां करेंगे ही चाहे जो हो जाए ठीक है ना अभी देखो अभी देखना तुम सी सी से कौन घुमा एफ तो सी अपॉन एफ दोनों क्या है एक्सटर्नल सी दिस सॉरी सी नहीं डी D से कौन घूमा F दोनों के एक्सटर्नल तो D बाई एफ क्या होगा एक्सटर्नल मतलब नेगेटिव और ये वाला भी यहां आने वाला है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव समझे बात फिर अब देखो यहां कुछ कट रहा है नहीं सर नहीं कट रहा है तो अब इसको पूरा का पूरा यहां लेकर जाएंगे देखो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे भाई ठीक है ना और एफ घूमेगा तो क्या घूमेगा बी तो एफ अपॉन बी इंटरनल गियर है देखो एफ और बी इंटरनल गियर है एफ ओपन भी पॉजिटिव का जी सर और ये भी पॉजिटिव का आया है तो लो भैया तो यहां से अगर कुछ कट रहा है एफ से एफ कट जा रहा है बिल्कुल और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा तो लो भाई ये बच गया हमारे सामने देख लीजिए ठीक ना हमारे सामने ये बच गया दैट्स इट दूसरे लाइन में क्या करते हैं एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तीसरे में वाई सम करते हैं और गया कहानी खत्म वाई किसका है आर्म एक्स प्लस वाई व्हील ए दिस इज व्हाट व्हील ई तुम कोई भी क्वेश्चन लाकर दे दो मैं कर देता हूं ऐसे ही तुम्हार तुमको भी प्रैक्टिस करना है ध्यान से बता दो फिगर से सिंपल है देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं हर किसी बच्चे के बस की बात नहीं है इस कॉन्सेप्ट को ऐसे ही समझ ले इसीलिए आज भी एपीसाइकली गियर ट्रेन के क्वेश्चन बच्चे छोड़ कर आते हैं और यही रीजन है उन्हीं बच्चों का अठारह हजार रैंक आता है जो बच्चा ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ के जाता है ठीक ना उस बच्चे का अठारह रैंक आता है एटीन नहीं पढ़ के जाओगे छोड़ के जाओगे यही तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा मैं क्यों दुश्मन हूं तुम्हारा मैं तो तुम्हारा दोस्त और यही तुम्हें अठारह हजार रैंक दिलाएगा और हो सकता है नेगेटिव में चले जाओ तो वो बात अलग है तुम कहोगे एक क्वेश्चन ने ऐसा कैसे कर दिया बेटा एक क्वेश्चन तुमको सब हिला के रख देगा तो अगर तुम एक क्वेश्चन क्वेश्चन का कांसेप्ट पढ़ने से डर रहे हो इसका मतलब तुम डरे हुए बच्चे हो तुम डरपोक हो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में मैक विश्वा कह रहे हैं सर कुछ क्वेश्चंस दीजिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस क्या दीजिए तुम आधे एक घंटे के बाद यही कॉन्सेप्ट पूरा गायब होने वाला है तुम्हारा मैं तुमको यही सब को, तुम यही क्वेश्चन को पकड़ के खुद से करने की कोशिश करना भाई दुनिया भर की किताबें कुछ नहीं करना गूगल तुम्हारे पास है यार इंटरनेट हाथ में है तुम्हारे गूगल में तुम्हें सिर्फ सर्च करना है गूगल में एक सर्च मारोगे तुम्हारा काम हो जाएगा एक ऑल प्लस वन बेटा देखो ना इसके बाद जो होता है उसको हमेशा प्लस वन ही देते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है टेंशन मतलब अपनी अगली क्लास जो होगी उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मतलब न्यूमेरिकल जो होगा आपको कराया जाएगा टेंशन मतलब न्यूमेरिकल करना है अभी भी अगर अभी भी करना है तो मैं अपनी अगली क्लास में लेकर आऊंगा न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा टेंशन मतलब ठीक है ना देखो बेटा मैं न्यूमेरिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट सब चला रहा हूं इसीलिए टाइम लग रहा है नहीं तो मैं टोम कहोगे तो मैं समेट दूंगा एक महीने के अंदर ही मेरे को क्या जाता है सिलेबस कंप्लीट करना है या कुछ सीखना है ये डिपेंड करता है मैं यहां कुछ सिखाने आया हूं सिलेबस कंप्लीट करने में सिलेबस तो हो ही जाएगा कंप्लीट एक महीने के अंदर ठीक ना तो पहले सीखो जिस चीज से डरते उसको सीखो क्लियर है क्लियर है बेटा ठीक है ना तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो सीखने आते हैं ठीक ना नहीं तो बाकी सारे बच्चे तो हमको रैंकर ही बनना है ठीक है ना रैंकर बोलते 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 सो जाते हैं कब पता ही नहीं चलता जो जागे हुए हैं उन सारे बच्चों से यही कहूंगा जगे हुए हो तो क्लास को सही से अटेंड करो सही तरीके से पढ़ो ज्यादा मजा आएगा ठीक है चलो तो बच्चा लोग एक चीज और बताना चाहूंगा आज उम्मीद टेस्ट सीरीज होने वाला है आशा करता हूं आपसे कि आप सभी लोग इस क्लास में जरूर आओगे इस टेस्ट सीरीज में जरूर आओगे ठीक है ना बहुत सोच समझ के टेस्ट सीरीज लाया हूं अगर आप लोग आते हो तो यहां बहुत फायदा है आपके लिए भी और मेरे को लगेगा कि मेरा मेहनत सफल हो रहा है कि मैं आपको YouTube पर जो कंटेंट दे रहा हूं स्पेशल में जो कंटेंट दे रहा हूं मेरा मेहनत सफल हो रहा है अगर आप आते हो तो देखो कुछ नहीं करना आपको सिर्फ टेस्ट में आना और टेस्ट देना है ना आपका कोई वो एक्स्ट्रा काम नहीं है मैं सारा काम मेरा है मैं पूरा टेस्ट पेपर खुद ही बनाकर ले आता हूं एक एक क्वेश्चन डिफरेंट है टेंशन मत मतलब लो तुम आओ कब होगा बेटा आज होगा आज है ना सत्रह तारीख सेवेंटीन अप्रैल और मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा मैं कल की छुट्टी दे रहा हूं मैं कल की छुट्टी दे रहा हूं कल आराम कर लो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज जो है पूरा अच्छे से पढ़ाई करो बारह तारीख बारह बजे से ट्वेल्व पी एम देन वन पीएम देन टू पी एम देन थ्री पी एम देन फोर पीएम ये पांच टेस्ट हैं ये पांच टेस्ट हैं इस पांचों टेस्ट में आपको आना है ये पांचों टेस्ट में आपको आना है ओके okay. ये पांचों टेस्ट में आपको आना है इस चीज को ध्यान रखिएगा बारह बजे एक बजे दो बजे तीन बजे और चार बजे इन पांचों टेस्ट में आपको आना उम्मीद टेस्ट सीरीज के अंदर आज पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि पांच सौ क्वेश्चन तक आपको कराने की ठीक ना पूरे स्पीड में रहेंगे टेंशन मत लो ठीक ना ये पांच टेस्ट अभी आपको दिख रहा है पांच टेस्ट में तो आपको आना ही आना है अभी दिन में कोशिश रखिएगा कि आइएगा जरूर और अगर आप प्लस या आइकॉनिक का हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं आप एक कोड लगा सकते हैं आलोक लाइव इक्कीस तारीख से बैच आ रहा है प्लस पे जो बच्चे प्लस पे इंतजार कर रहे हैं वो ले सकते हैं आलोक लाइव कोड लगाओ टेन परसेंट डिस्काउंट है फटाफट हमारे साथ जुड़ जाओ गेट सी गोल के अंदर गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए बारह महीने अठारह महीने और चौबीस महीने का हमारा प्लान है आलोक लाइव कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है थेके? तो भैया आप सत्ताईस हजार का फीस है चौथी हजार का फीस है उनतालीस हजार का फीस है कैन सी दिस यहाँ आप ई एम आई एवलेबल है ठीक है ना ई एम आई एवेलेबल है डियर आप ई एम आई बाई पार्ट से आप आ सकते हो बहुत तेजी से आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत सही तरीके से ठीक है ना आइकोनिक में बारह महीने और चौबीस महीने का दो प्लान है अगर आप आई एस की तैयारी करते हो तो यहाँ भी मेरा कोड लगा सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो ओके सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन अभी आप इस टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप नहीं ज्वाइन हो तो ओके okay. एंड uh, रात में ग्यारह बजे सोम की क्लास तो होगी और उम्मीद टेस्ट सीरीज में दिन में बारह बजे आना मत भूलना टेलीग्राम चैनल जो आप ये देख रहे हो इसी पे सारा लिंक में अभी दो मिनट बाद डालने वाला हूँ टेंशन मत लो ठीक है ना और आज की क्लास का नोट मैं दूंगा रात में ठीक है ना शाम को सात बजे अभी नहीं दूंगा ठीक है ना सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है अभी तुरंत नहीं मिल पाएगा शाम को सात बजे मिलेगा इसलिए मैं कह रहा हूं आराम से छोड़ दो जितना पढ़ा छोड़ दो अब सीधे उम्मीद टेस्ट सीरीज में आओ टेस्ट दो पांच बजे वहां से खाली हो जाओगे सात बजे तक तुम्हारे हाथ में आ जाएगा आज की क्लास उसके बाद बैठ के आराम से टेस्ट अपने घर में प्रैक्टिस करते रहो ठीक ना तब तक तुम दिमाग से उतर भी जाएगा फिर तुम प्रैक्टिस करोगे खुद से तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा ठीक है ना कोशिश करो जो बोल रहा हूं वो करो शांति से तुरंत करने बैठोगे ना तो सब हो जाएगा फिर तुम कहोगे तुमको सब आ गया मैटर तो ये है ना तुम भूल जाओ फिर तुम करो समझ में आई बात ठीक है तो उम्मीद टेस्ट सीरीज में आना मत भूलना बेटा उम्मीद टेस्ट सीरीज आज दिन में बारह बजे अभी होने वाला है तो फटाफट एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना दिन में बारह बजे एक बजे दो बजे तीन बजे चार बजे ये आपका टेस्ट होने वाला है टोटल पांच टेस्ट है पूरी कोशिश रहेगी पूरी उम्मीद रहेगी कि आपसे कि आप इस टेस्ट सीरीज में आओगे ओके सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन ठीक है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट आज का क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बोल देना ठीक ना ओके व्हाट अबाउट इलेवन पीएम या इलेवन पीएम पे होगी क्लास ग्यारह बजे रात में होगी आज स्पेशल क्लास है टेस्ट सीरीज का जो है मैंने आपको बताया सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर सेशन सो टिल तब तक ले सभी को जय हिंद जय भारत